अगली खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। अगली खबर है, हर साल की तरह इस बार भी बरसात के कारण सड़कें बदहाल हैं। हालत यह है कि शहर में किसी भी इलाके में अगर आप 5 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं तो अलग अलग टुकड़े में नाम से 1 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा मिलेगा जहां गड्ढे के कारण चलना मुश्किल है। हर साल बरसात में गड्ढे होते हैं, अलग अलग एजेंसियां पैच वर्क करती हैं और अगले साल फिर यही स्थिति। केवल पैच वर्क सुधार पर सिर्फ नगर निगम, JDA और PWD ही साल में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। देखिए क्या हालत होती है। स्मार्ट सिटी जयपुर की गड्ढे वाली सड़कों पर आपका स्वागत है। इस गड्ढा सिटी में सड़कों पर 5 इंच से लेकर 1 फीट तक गड्ढे हैं। लेकिन ये गड्ढे हमारे सरकारी तंत्र को नहीं दिखते, क्योंकि ये गड्ढे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं हमारे सिस्टम में भी है। हमारे प्रशासन, हमारी योजनाएं और हमारे विकास के दावों में भी हैं। गड्ढे असल में भ्रष्टाचार के निशान हैं, जो हर सड़क निर्माण के बाद हमें दिखाई देते हैं। लोग इन टूटी सड़कों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। जयपुर की कई सड़कें पहेली जैसी बनी हुई हैं, जिसे खोजना किसी के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। यहां आपको सड़कों पर हिचकोले खाते हुए वाहन नजर आएंगे और कुछ आपको इन गड्ढों में गिरते हुए लहूलुहान लोग भी नजर आएंगे। जी मीडिया की टीम ने जब सफर किया तो देखा पूरा शहर ही बिखरा पड़ा है। सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही आपको दर्द नहीं देंगे, बल्कि आपको सावधानी बिखरे डामर और कंक्रीट से भी रखनी होगी, जहां से वाहन फिसलने का खतरा सबसे ज्यादा है। गड्ढों को देखते बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खड्डे हो रहे हैं, निकलने के लिए बहुत पब्लिक को परेशानी हो रही है। अब क्या बताए, ये कम से कम भी 3-4 घंटे तक ये बहुत बड़ा जाम लगेगा। रोज ये जाम लगता है, 1.5 घंटे तक डेली जाम में फंसते हैं और हालत ख़राब है रोड की, दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और इतने गड्ढे हो रहे हैं, 1-1.5 फुट के गड्ढे हैं। रोज परेशान हो रहे हैं हम लोग, 1-1.5 घंटा इस जाम में निकलने में समय लगता है। सड़कों के खराब और गड्ढों के साइड इफेक्ट भी आपको चलिए हम बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। बड़े बड़े गड्ढों से भरी उबड़ खाबड़ सड़कें न सिर्फ दुर्घटना को दावत दे रही हैं, बल्कि वाहन चालकों के सेहत को भी प्रभावित कर रही हैं। घंटों तक जाम में फंसे रहने और खराब सड़कों पर गाड़ी चलाने से लोगों को स्लिप डिस्क, गर्दन और कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट और सर्वाइकल सहित कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, वाहनों के हानिकारक धुओं से त्वचा रोग, एलर्जी और फेफड़ों से जुड़े रोग भी हो रहे हैं। वाहनों के खराब होने से उसे ठीक करने की परेशानी से भी गुजरना पड़ रहा है। वहीं जब ये रखरखाव का क्लेम लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाते हैं तो उन्हें टकासा जवाब दे दिया जाता है। सड़कें खराब होने के कारण अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए भी 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी की गड्ढों से सजी ये सड़कें इस दौरान सड़क नहीं होकर जीवन का फलसफा सिखाने वाली पाठशालाएं बन गई हैं। इस बार की बारिश में तो मानो जयपुर की सड़कों ने आत्मसमर्पण ही कर दिया है। कुछ सड़कें अब तो पानी और कीचड़ के साथ अपना अस्तित्व ही खो चुकी हैं। गड्ढों ने मानो ठेकेदार और इंजीनियर की सच्चाई उजागर करने की कसम खा रखी हो। अफसोस बस इतना है कि सच्चाई की ओर देखने की हमारी सरकार कष्ट नहीं उठाती। ये कालवाट के रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए जहां सड़कों से ज्यादा गड्ढे हैं वो यहां नजर आ रहे हैं। लंबा ट्रैफिक जाम है और यहाँ हादसे भी हो चुके हैं बैक टू बैक। यहाँ लोग इस गड्ढों क्यों जानकारी नहीं होने के चलते, उसकी गहराई जानकारी नहीं होने के चलते लोग इस गड्ढों के अंदर समाहित यानी कि यहाँ गिर भी रहे हैं। बहरहाल जयपुर की सड़क कुछ अपनी पीड़ा यूं बयां कर रही है। बरसात के बाद लोग मुझे ताने मारते हैं और अपशब्द भी कहते हैं, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। उन इंजीनियरों से कोई कुछ नहीं कहता जिन्होंने मुझे बनाने में कोताही बरती, ठेकेदारों से मिलीभगत की और मनमर्जी से डामर डाला। कहीं न कहीं कमी तो छोड़ी होगी, तभी तो बरसात हुई तो मैं जगह जगह से टूट गई और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुझे उस समय बहुत दुख होता है जब मेरे सतह पर बने गड्ढों में पानी भरा होता है, खासकर दोपहिया वाहन चालक उसमें गिरते हैं और जब उनका खून मेरे ऊपर गिरता है तो मुझे ये देखा नहीं जाता। दीपक गोयल, Z Media, जयपुर।